कुछ करियो, नस नस मेरी खोले। और फिर से ये बल्ला घुमाया और चार रन। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए कोई तो चल सिद्ध करिए, तुम बतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध करिए, तुम बतरिए या मरिए। अरे निशिकांत, कमेंटेटर मोरे साहब को सूचित किया जाता है जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, यहाँ कोई कमेंट्री करने के लिए नहीं है। और ये बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और ये फिर से एक चौका। और ये पांच बॉल 13 रन का स्कोर हुआ है मालेगांव का। एक बॉल बाकी है अभी। अच्छा ठीक, एक और खत्म हुआ है। बॉलर चेंज, बॉलर बॉलिंग करने आ रहे संकेत। एक और 13 रन का स्कोर हुआ है मालेगांव का। और संकेत अभी अपना पहला बॉल डालने जा रहे हैं। और ये बल्ला घुमाया और ये फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन पे। 2 रन। हेलो 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 भाई, चेक। हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 माइक चेक। हाय गर्मी, फिर से रन मशीन स्ट्राइकर एंड पे आ गए। बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रोक, थोड़ा मिसफील्ड है।
और ये कैच छूट गया है फील्डर के हाथ से। बहुत अच्छी कोशिश की है महेश ने कैच लेने के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की गई। भाग्य ऑन रहे, लास्ट बॉल इस ओवर का है ये, वाइड बॉल। दो ओवर 21 रन हुए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बॉलिंग, बैट्समैन बीट हुए। इसी के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति। बॉलर का नाम क्या है? सूरज। अभी तीसरी ओवर, सूरज बॉलिंग करने जा रहे हैं। बैटिंग पावर प्ले लिया है। जिस घड़ी का इंतजार था वो आखिरकार वो घड़ी आ गई। अभी हम फाइनल मैच में आ गए हैं यहाँ पर, और काफी कल से हम इंतजार कर रहे थे कि हु विल बी इन फाइनल। तो सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज नगर के टीम को बहुत बहुत बधाई, और मालेगांव मैवेंजर्स की टीम को बहुत बहुत बधाई। ये दोनों टीम फाइनल में आई, इसलिए उनको दो बहुत बहुत बधाई दे। अभी स्कोर हुआ है 2.2 गेंदों के बाद 26 रन। चिराग काफी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 बॉल पे उन्होंने 12 रन बनाए, और रोहन नागन वो भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों भी 7-7 गेंदे खेल चुके हैं। रोहन ने बनाए 13 रन। सूरज की अगली गेंद, और बहुत अच्छी गेंद। अभी अभी एक विकेट का पतन हुआ है। रोहन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में किया, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। अब नए बल्लेबाज है स्वप्निल, और गेंदबाजी कर रहे सूरज। फोटो कार्ड
अगली गेंद सूरज की आउटसाइड द ऑफ स्टंप और इसको स्टीयर कर सीधा फील्डर के पास, लेकिन फील्डर ने वो कैच नहीं किया। बहुत अच्छी शुरुआत की है मालेगांव टीम ने, एक अच्छा क्रिकेट हमें यहाँ पे मिल रहा है देखने को, काफी उम्मीदें हैं चिराग चिराग से, काफी उम्मीदें हैं मालेगांव को। अगले गेंद और एक गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल और हल्के सी उसको स्टीयर किया, गेंद गई लेग साइड में, केवल एक रन से संतुष्ट। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए और एक गेंद ओवर पिच गेंद थे और उसको सीधा खेला सीधा हाथ में और इसी के साथ आउट। अब ये दूसरा विकेट का पतन यहाँ पे हुआ है। भाई जल देवड़िया मी देई न तिरकिया तुलार, सामना जिंकून दाखव पार किया मतार, सामना जिंकून दाखव पार किया मतार। यो सपना जिंकुन ताको बार क्या मलर, यो सपना जिंकुन ताको बार क्या मलर। अब अमोल बल्लेबाजी के लिए गया है, काफी उम्मीदें अमोल के साथ मालेगांव मैवेंजर्स टीम को। मालेगांव मालेगांव मेवरिक्स एक मालेगांव के लिए विशेष सूचना है, यदि वो फाइनल मैच जीतते हैं तो गोवा टीम से 1101 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। वो हर प्लेयर का भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 1101 रुपए का यदि वो फाइनल मैच जीतते हैं तो गोवा टीम से एक विशेष उपहार उनको दिया जाएगा। बहुत अच्छा क्रिकेट यहाँ पे खेला जा रहा है, दोनों टीम में काफी उत्साह, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अनुसार ये मैच खेला जा रहा है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, टप्पा खाने के बाद ये लगभग यॉर्कर गेंद थी लेकिन सही दिशा में चिराग ने इसको खेला, ये रिस्की हो सकता है, लेकिन अमोल काफी फुर्तीले खिलाड़ी है अमोल और आराम से उन्होंने 2 रन ले लिए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों युवा बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करते हुए। चिराग सामना करेंगे अगली गेंद का, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद टिप्पा खाने के बाद आउट स्टंप के काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइड का। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए इसको चिराग ने हवा में उठा दिया है ओपन एरिया में और ये फर्स्ट बाउंस बाउंड्री लाइन के पार। पहलू खिलाड़ी तो सिद्धेश है खुशार तो अनुसरिया कुमार यादव वाले दिवस और इसी के साथ 35 रन 3.2 ओवर के बाद अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट और फिर इसको लेग साइड की तरफ अच्छे तरह से मारा देखना है और फील्डर ने वहां पे बाउंड्री लाइन पे फाइन लेग की दिशा में उसको फील्ड किया, केवल 1 रन। अभी अमोल इस टीम के काफी उत्साही खिलाड़ी सामना करेंगे
अगली गेंद का अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, इसको ऑफ साइड का बॉल लेग साइड में मारा और ये चार रन। साथ ये स्ट्रोक के साथ मालेगांव का स्कोर हुआ 40-42। अगली गेंद अमोल को, अमोल ने इसको हल्की सी स्टीयर किया, स्क्वेयर कट किया और एक रन से संतुष्ट। बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार दोनों युवा खिलाड़ी। अविनाश अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए ये गेंद फुल टॉस और इसको उठा के मारा है और ये छह रन। ये बोनस स्कोर हुआ है अभी 47 रन चार ओवर के उपरांत दो विकेट। अभी आधा मैच हो चुका है, आधा मैच बाकी है। एक इनिंग का आधा मैच हो चुका है। राहुल सोनी सर का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। उनका बैंक के प्रति काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है और यहाँ क्रिकेट में भी काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए राहुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े उत्साही खिलाड़ी और बड़े उत्साही अधिकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वो जाने जाते हैं, राहुल सर, राहुल सोनी। अभी ये पांचवी ओवर, बॉलर्स नेम सतीश, सामना करेंगे अमोल। सतीश राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करती हुई ये गेंद और गुड लेंथ पर ये गेंद और ये इसी के साथ ही आउट। बाहर जाती हुई गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश करी अमोल ने और इसी के साथ आउट। वेल डन अमोल। शक्कर नेहमीच मारतो आहे अशी पावर, शक्कर शक्कर नेहमीच मारतो आहे अशी पावर। अमोल के पास दो पर्याय थे, एक क्रिकेट में आनंद लेने का बैटिंग का और दूसरा डीजे का आनंद लेने का।
तो जब यहाँ पे नाच गाना चल रहा था तो अमोल का मन कर रहा था कि पैवेलियन में जाके मैं डांस करूँ, नाच करूँ, इसलिए शायद उन्होंने अपना विकेट खोया है। इन्हें आउट जाने दो, लेकिन अमोल ने वेल प्लेड। अमोल अभी जमी जबीर जी गए हैं बैटिंग के लिए, नए बल्लेबाज, और गेंदबाजी के लिए है सतीश। सतीश की गेंद, ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और जमीर ने पहली गेंद उठा दी है। अभी देखना है, महेश नीचे है और महेश दो तीन बार फंबल हुए और इसी के साथ आउट। बहुत अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन, और यहाँ पे खुद अमरेश्वर शुरू से काफी मैच का, इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए। अभी चार ओवर के उपरांत स्कोर हुआ है 47 रन। सुमित सुमित धमाले अगली ओवर। सतीश की राइट आर्म ओवर द विकेट, एलेक्स स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का होना चाहिए। अरे वाइड का इशारा अंपायर का, और इस वाइड के साथ रन संख्या हो गई 48 पे 4, जो 4.2 ओवर के बाद। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, सतीश की गेंद और बहुत अच्छी गेंद। सुमित को यहां से मालेगांव के पैवेलियन से थोड़ा सा इशारा, थोड़ा धीरे से खेले, गेंद को परखे। और ये गेंद इसको खेला जरूर, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट, और इसी के साथ एक रन का इजाफा हुआ। मालेगांव रिक्स, और इसी के साथ 49 रन, 49। चिराग अभी भी, और चिराग ने इसको, और हो सकता है नहीं, लेकिन वहां पे फील्डर है और दो रन से संतुष्ट होना पड़ेगा चिराग को। और इसी के साथ 50 अप, दैट्स अ 51 फॉर 4। बहुत अच्छा, बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन। चिराग 13 बॉल में 28 रन, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुमित धमाले अगली गेंद, और इसको आगे जाके खेला, स्ट्रोक उतना पावरफुल नहीं बना, लेकिन एक रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर में मालेगांव मेवरिक्स ने बनाए 52 फॉर 4। बहुत अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। अभी नए गेंदबाज महेश, महेश धीवार, राइट आर्म राउंड द विकेट और वेल्स, और इसको हवा में जरूर खिलाए, देखना है क्या हो सकता है, और इसी के साथ है आउट। बहुत अच्छा खेल रहे थे चिराग, और क्योंकि ये अभी दुआ द नेक्स्ट बैट्समैन इज रचित। काफी अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन आपने दिया, बहुत अच्छा योगदान आपने अपने मालेगांव टीम के लिए किया। चिराग वेल प्लेड, वेल प्लेड चिराग।
अभी रचित बल्लेबाज मालेगांव से बैटिंग करने के लिए महेश दीवार। बहुत अच्छा और इसको वहां पे मिस फील्ड हुआ, जहां पे एक रन मिलना चाहिए था वहां पे दो रन मिले और इसी के साथ इस दो रन के साथ रन संख्या हो गई है 54 मालेगांव टीम की 54 5.2 ओवर के बाद। अगले गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंपायर का कोई इशारा नहीं। महेश दीवार काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और काफी दारो मदार उनके गेंदबाजी पे होगी छत्रपति संभाजी नगर की टीम का। महेश दीवार 54 पे 5। महेश की गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार करते हुए ये गेंद इसको सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला। अभी नो मैन एरिया में तो खेला तो था लेकिन वहां पे दो रन बना लिए। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट और इसको हवा में खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, चूके बाल बाल बचे, बल्ले ने बाहरी किनारा नहीं लिया लेकिन आशीष की हाथों में गेंद सुरक्षित। महेश दीवार अगले गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर को पार करती हुई एक गेंद बहुत अच्छी गेंद वेल बोल्ड काफी अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद मालेगांव का स्कोर हुआ 56 पे 5। चिराग वेल प्लेड, काफी अच्छी बल्लेबाजी आपने की, बहुत अच्छे स्ट्रोक आपने लगाए, क्रिकेट का सही आनंद हम ले पाए आपके बल्लेबाजी का। वेल प्लेड चिराग। बॉलर्स नेम संकेत। अब ये क्या संकेत लेके आते हैं देखना है इस ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद थोड़ी पटकी हुई गेंद और ये नो मैन एरिया में मार दिया है, वहां पे कोई फील्डर नहीं है और इसी के साथ ये 4 रन बाउंड्री। शिवरती चर्चा बोरिंग झाली, चल बाडिया पार्टीला मुंग पारावरती आली। अगली गेंद संकेत की राइट आर्म ओवर द विकेट और फिर इसको काफी जोर से मारा और ये 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट सुमित ने मारा और इसके साथ स्कोर हुआ 64 6.2 बॉल के बाद मालेगांव का स्कोर हुआ 64 जिसे चैलेंज कहा जा सकता है। अगली गेंद संकेत की हवा में गेंद और ये देखना है उसको लेकिन वेल प्लेड सुमित। तीन बॉल बाकी है अभी भी। संकेत राइट आर्म ओवर द विकेट हवा के में खेला है और ये 6 रन। एकनाथ शिंदे आनंद दिघे उभी के लिए माणसं आहेत त्यांच्या तालमीत तयार झालेली माणसं आहेत।
जो शॉट लगा था सिक्सर का, तो मुझे टीम की याद आई थी कि इसी प्रकार का शॉट एक न्यूजीलैंड के टीम में मारा था और ऐसी प्रेक्षक ने वो कैच लिया था, लेकिन अमोल ने उसी प्रकार का कैच लिया था, लेकिन जिस प्रेक्षक ने वो कैच लिया था उसके हाथ में एक बियर का प्याला था, लेकिन यहाँ पे वो बियर का प्याला नहीं है, लेकिन उसी ढंग से वो बार बार उसको वायरल। तो वेल टेकन अमोल। अभी सात ओवर के बाद स्कोर हुआ है 73 for 5। वेल प्लेड। अभी आखिरी ओवर, काफी उत्साह भरा ये मैच, दोनों टीम में काफी उत्साह। सतीश अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और उसको हवा में खेला है और देखना है और चार रन। सात दशमलव एक गेंद के उपरांत मालेगांव का स्कोर वह 77 for 5। अभी पांच गेंदे शेष है, यदि वाइड और नो यदि नहीं होता है तो सतीश की गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार करती हुई ये गेंद और इसको फिर से हवा में खेला है, वही दिशा में ही देखना है इसको और ये दो रन से संतुष्ट। बहुत अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। 7.2 के बाद 79 मालेगांव का स्कोर। सतीश अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार करती हुई और फिर से उसको हवा में खेलना चाहता था, चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लिया और इसी के साथ आउट। सबको बैटिंग मिलेगा सबको। वेल प्लेड। अगली गेंद और ये गेंद इसको हवा में थोड़ा सा खेला लेकिन और ये दो रन के साथ स्कोर हुआ 81 for 6। अभी दो बॉल शेष है इस इनिंग के 81। आखिरी गेंद सतीश की राइट आर्म ओवर द विकेट और ये आखिरी गेम।
सतीश सामना करेंगे सौरभ। सतीश की एक गेंद आखिरी गेंद और ये आउट समझ के काफी बार अंपायर का इशारा अभी बाकी और इसी के साथ पहले इनिंग का समस्त 82 टारगेट है अभी 81 रन बनाए हैं मालेगांव ने। टारगेट मालेगांव ने काफी अच्छी बैटिंग की और 81 रन बनाए 8 ओवर में और काफी अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर का जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी तगड़ा है और उनके अगेंस्ट में 81 रन बनाना कोई आसान बात नहीं है तो काफी तारीफ काबिल बल्लेबाजी मालेगांव ने की इसलिए वो बधाई के लिए पात्र है। अभी मालेगांव और छत्रपति संभाजी नगर इन दोनों टीम में फैसला केवल फाइनल ट्रॉफी का है। छत्रपति संभाजी नगर रिपीट भाऊ सतीश थोड़ा बाजूला होता का मैच आशीष बॉलर्स नेम सुमित आशीष आंसर और महेश दीवार ये दोनों बल्लेबाज अभी क्रीज में
अब 82 रन्स उनको मैच जीतने के लिए बनाना है, ये ट्रॉफी जीतने के लिए उनको बनाना है। और पहला ओवर लेके आ रहे सुमित, सुमित राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया और ये गेंद हल्के से उसको स्टीयर किया एक रन के लिए, और इसी के साथ खाता खोला आशीष ने और आशीष आजाद का स्कोर हुआ एक, और छत्रपति संभाजी नगर का स्कोर हुआ एक। अभी महेश दीवार सामना करेंगे सुमित की अगली गेंद का। सुमित राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करती हुई ये गेंद, और बहुत ही अच्छी गेंद, लगभग यॉर्कर गेंद थी और बार बार चुके, भाग्यशाली रहे उन्होंने आड़ा बल्ला नहीं घुमाया, बहुत अच्छी गेंद। सुमित राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करती हुई ये गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और वहां पे जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड और इसके साथ ये वाइड का एक रन का इजाफा हुआ छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स की टीम को। अगली गेंद सुमित की राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए इसको हल्के से स्टीयर किया, चिराग के पास गेंद गई, चिराग ने अच्छी तरह उसको फील्ड किया और दोनों बैट्समैन ने रन न लेने का निर्णय लिया। सुमित अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सुमित चौथी गेंद और इसको स्क्वायर कट किया, बाल बाल बचे विकेट कीपर के हाथों से कैच थोड़ा बाहर जाता हुआ और एक रन का इजाफा हुआ और स्कोर हुआ 3। सुमित की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इसको स्क्वायर कट किया है वहां पे नो मैन एरिया में और ये 4 रन। और ये जो चौका लगाया था वो आशीष के मारा। अगली गेंद और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, हल्की सी उसको स्टीयर किया, एक रन लेना चाहते थे और स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे लेकिन फॉलो थ्रू ने उसको फील्ड किया बॉलर ने, कोई रन नहीं। अब स्कोर हुआ 7 रन, एक ओवर के बाद बिना नुकसान कोई विकेट खोते हुए 7 रन। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए और इसको फिर से स्क्वायर कट खेला है और ये 4 रन।
1.1 बॉल के बाद स्कोर हुआ और ये गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, वाइड का इशारा और इसी के साथ स्कोर हुआ 12-12। किसी भी प्रकार का दबाव या टेंशन छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स की टीम के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों बल्लेबाज काफी आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमोल गेंदबाजी कर रहे हैं। अमोल राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद शॉर्ट पिच और आशीष ने इसको खेला है लेकिन वहां पे फील्डर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अमोल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इसके पहले मैच में, काफी बांध के रखा था अगले टीम को। अमोल राइट आर्म राउंड द विकेट, एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और उसको स्क्वायर कट किया वहां सीधा फील्डर के पास और एक रन, वेल फील्डिंग। वहां पे काफी संघर्ष कर रही है मालेगांव टीम, काफी प्रयास कर रही है कि कुछ विकेट प्राप्त करे और मैच में वापस आए, लेकिन उनको पता है कि ये दोनों बल्लेबाज है, काफी डेंजरस बल्लेबाज है। अमोल राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, आखिरी वक्त तक आशीष ने उस गेंद को देखा और जाने दिया विकेट कीपर के बल्ले में और ये वाइड का इशारा अंपायर का। अमोल राइट आर्म राउंड द विकेट और ये गेंद बाल बाल चुके आशीष, बहुत अच्छी गेंद, यदि बाहरी किनारा होता तो मुश्किल हो जाती थी। अमोल रनअप छोटा है लेकिन गेंदबाजी काफी नफीतुली अभी तक की है उन्होंने। अमोल की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, लेकिन टिप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के ग्लोव्स में और ये वाइड। अमोल आशीष को राइट आर्म राउंड द विकेट, ये शॉर्ट पिच गेंद और ये अमल राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे। दो तीन बार उसी दिशा में उन्होंने बॉलिंग की और आखिरकार उनको सफलता और स्कोर हुआ है अभी दो ओवर के बाद 17-17-1। मोहम्मद जबीर अगला ओवर डालेंगे और सामना करेंगे महेश दीवार और अविनाश। वेल बोल्ड अमोल, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, बहुत अच्छी गेंद, गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश की लेकिन वो भाग्यशाली रहे कि बाहरी किनारा गेंद बल्ले का गेंद ने नहीं लिया। जबीर राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए ये गेंद थोड़ी पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद और काफी समय था एक रन बनाने के और एक रन आराम से उन्होंने बनाया और इसी के साथ ये दूसरा रन थोड़ा सा मिस फील्ड वहां पे हुआ था जमीर से। और ये अंपायर ने रन अलाउ नहीं किया इसलिए फिर से अपना स्ट्राइक उनको वापस लेना पड़ेगा।
अविनाश अविनाश अभी काफी अच्छी बल्लेबाजी इसके पहले मैच में अविनाश ने की है। जमेटो अविनाश और जैसे ही पहले गेंद आया, अबे ये बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन पहुंच गए थे महेश क्रीज में और एक रन का इजाफा हुआ छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स की टीम के 19 रन 2.3 2.3 की अभी सामना करेंगे महेश दीवार मोहम्मद जबीर राइट आर्म ओवर द विकेट और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद हल्के से उनको स्टीयर किया और अमोल जब तक जाते तब तक एक रन कंप्लीट किया। काफी अच्छी फील्डिंग अमोल द्वारा। जब लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज आते हैं तो थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ता है। मोहम्मद जबीर राइट आर्म अराउंड द विकेट अंपायर को पार किया। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद यॉर्कर गुड लेंथ गेंद और उसको डिफेंस के रूप में खेला कोई रन नहीं अविनाश ने। नीतिराज कुंभार को बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए। जितनी उनकी तारीफ करे वो उतना कम है। अभी स्कोर 21 तीन ओवर के बाद छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स का स्कोर हुआ 21 एक विकेट खोने के बाद। बॉलर्स ने रोहन नागन रोहन राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार किया। ये गेंद और ये बहुत अच्छी गेंद गुड लेंथ गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई बाल बाल बचे और वे पावर प्ले अभी चल रहा है उसका फायदा उठाना चाहते हैं अविनाश। रोहन नागर बहुत अच्छी गेंद पहली बॉल डॉट रही रोहन नागर सामना करेंगे अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद पटकी हुई गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर अंपायर के इशारा वाइड और इस वाइड के साथ रन संख्या छत्रपति शिवाजी छत्रपति संभाजी नगर का स्कोर हुआ 22। अविनाश अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इसको आगे खेला। अब यहां पे कोई फील्डर नहीं इसी के साथ 4 DJ Bravo
बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया था अविनाश द्वारा। अगली गेंद और फिर से जमीर ने इसको अच्छी तरह से और ये यहाँ पे काफी कंफ्यूजन और नॉट आउट। वेल फील्डर जमीर जी, बहुत अच्छा चित्र रक्षण आपने किया है। सत्ताईस पे एक छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स का स्कोर है 3.3 ओवर के बाद। अगले गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इसको हवा में खेला है, देखना है और ये 6 रन। स्कोर हुआ है अभी छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स का। एक अच्छा छक्का अभी जड़ाया था ये बल्लेबाज ने राइट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद फिर से फुल टॉस और इसको सही दिशा में खेला लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे और इसी के साथ स्कोर हुआ 34। 3.5 गेंदों के बाद छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स का स्कोर हुआ 34-1। अभी सामना करेंगे अविनाश और गेंदबाज है रोहन। रोहन राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा रन अप में चुके इसलिए फिर से वापस रोहन। रोहन ने अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में की है। रोहन राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करती हुई और ये गेंद यॉर्कर गेंद थी, आगे आके इसको लंबा शॉट खेलना चाहते थे अविनाश लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत अच्छी गेंद डाली रोहन ने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर रहा 35-1। चार ओवर के बाद खिलाड़ी वाहे वाहे, जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, अरे पारे एक घुमा के, अरे पारे एक घुमा के, तू गुत्तम एक घुमा के, अड़चन खड़चन एक घुमा के, जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, चुटकी धूल चटा दे घुमा के, 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 घ
टूर्नामेंट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है वैभव सरकार और नितिराज कुंभार की। तो मैं उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि टूर्नामेंट का आयोजन उन्होंने किया, नितिराज कुंभार और वैभव सरगर ने काफी मेहनत ली और एक अच्छा क्रिकेट और अच्छा उभरता हुआ टैलेंट हमारे बैंक कर्मियों में है ये उन्होंने बताया। इसलिए मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद नितिराज और वैभव सरगर को। बॉलर नेम सुमित अभी गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे अविनाश शेखर सुमित और ये शेखर ने और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट 37 पे 1 4.1 ओवर के बाद। थर्टी सेवन 4.1 गेंद के बाद और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद काफी जी जान लगा रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। जहां पे एक रन होना चाहिए था वहां पे 3 रन और जहां पे अच्छी फील्डिंग वहां पे की उन्होंने पूरा खुद को झोंक दिया था और 1 रन बचा लिया अपनी टीम के लिए। स्कोर हुआ 40 पर 1 4.2 4 ओवर 2 गेंदें डाली गई है और 40 रन स्कोर हुआ है और एक ही बल्लेबाज आउट हुआ है। अविनाश ने 9 बॉल में 13 रन बनाए, महेश ने धुआंधार बल्लेबाजी की, 11 बॉल में 16 रन बनाए, अभी भी अविजित है वो और इसी के साथ ये 4 रन और ये महेश के बल्ले से चौका आया। अगले गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और इसको हवा में खेला है, देखना है। 4 ओवर 6 मारला वागन बजाओ डीजे काफी उत्साह छत्रपति संभाजी नगर की टीम में और फिर से उन्होंने उठा के मारा है और वहां पे फील्ड अच्छी और 1 रन से संतुष्ट और इसी के साथ 50 अप छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स की 4.5 ओवर के बाद। इस आखिरी गेंद होगी यदि वाइड और नो नहीं आता है तो
सुमित राइट आर्म राउंड द विकेट सामने अविनाश और इसको फिर से खेला है और ये अंपायर का इशारा 6 रन बगुन करा के ना रेडबुल भाई जगह रेडबुल अभी 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ 57 अभी 18 बॉल में 25 रन की जरूरत एकमात्र खिलाड़ी आउट अविनाश और महेश दीवार इन दोनों ने बल्लेबाजों ने काफी धुआंधार बल्लेबाजी की है महेश ने 14 बॉल में 27 रन बनाए हैं और अविनाश ने 10 बॉल में 19 रन दोनों बल्लेबाज काफी धुआंधार काफी अच्छा प्रयास जरूर किया है मालेगांव ने अभी अमोल आए हैं गेंदबाजी के लिए अमोल राइट आर्म ओवर द विकेट महेश को गेन करेंगे अंपायर को पार और इसको फिर से उठा के मारा 6 रन के लिए अमोल राइट आर्म ओवर द विकेट और फिर से उसको खेलने का प्रयास किया गेंद अच्छी हुई वेल बोल्ड अमोल काफी अच्छी गेंदबाजी की है अमोल ने अभी तक ये गेंद की यदि हाइट कम होती तो वो बोल्ड आउट होते थे अमोल राइट आर्म ओवर द विकेट इस गेंद की इस ओवर की तीसरी गेंद अंपायर को पार किया और इसको हल्के से स्टीयर किया और ये रिस्की हो सकता था लेकिन एक रन से संतुष्ट अभी 64 5.3 ओवर के बाद 64/1 छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स का स्कोर आणि हा पुन्हा चक्का एक गेंद पे 6 छक्का जड़ाया था अविनाश ने और 6 रन के साथ स्कोर हुआ 70 अभी केवल
12 14 बॉल 12 रन फिर से फाइनल देवड़िया दे नदी क्या तुलर सामना जिंकुन दाखो पार क्या पलर अभी केवल 6 रन चाहिए जीत के लिए और ये गेंद वाइड केवल औपचारिकता बाकी रही है छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स के लिए अमोल की ये गेंद और गेंद इसको हवा में खेला है और ये देखना है और ये इसी के साथ 2 रन बना लिए और केवल 3 रन चाहिए अभी जीत के लिए और अमोल का 6 ओवर के बाद स्कोर रहा 79 और काफी धुआंधार बल्लेबाजी महेश दीवार ने की 17 गेंदों में उन्होंने 34 रन बनाए और ये गेंद टिप्पा खाने के बहुत अच्छी गेंद सीधी निकली अब केवल 3 रन की जरूरत 7वें ओवर की पहली गेंद डाली जा चुकी है चिराग गेंदबाजी करने के लिए आए हैं चिराग राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए और इसको हवा में खेला है देखना और ये से 6 रन और इसी के साथ इस टूर्नामेंट